चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या बच्चे की हायर एजुकेशन या कोई शादी, पर्सनल लोन आड़े वक्त में लोगों के काम आता है। हालांकि पर्सनल लोन आसानी से मिल जाता है, फाइनल अप्रूवल के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होता है। ऐसे पर्सनल लोन एप्लीकेशन जिसके साथ इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR का प्रूफ या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, जिसका मतलब है कि आपको लोन के एवज में कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। पर्सनल लोन के लिए जहां ITR का प्रूफ देना जरूरी है, सैलरीड लोगों के पास ITR होता है, लेकिन नॉन सैलरीड लोगों के लिए लोन अप्लाई करते समय ITR या इनकम प्रूफ देना मुश्किल हो सकता है। बिना ITR प्रूफ के लोन कैसे ले सकते हैं, ये चलिए इस वीडियो में समझते हैं। पहला, को एप्लीकेंट के साथ लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास ITR नहीं है, खासकर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर ज्वाइंट लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके पास ITR या दूसरे इनकम प्रूफ हैं। ज्वाइंट लोन की स्थिति में बैंक दोनों लोगों की कंबाइंड इनकम पर ध्यान देते हैं, जिससे प्राइमरी एप्लीकेंट की लोन लेने की योग्यता सुधरती है। इस वजह से ज्वाइंट लोन के रूप में एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है। दूसरा, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ले सकते हैं। अगर आप लोन के लिए किसी कोलेटरल या सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक या NBFC इस लोन को लो रिस्क वाला लोन मानते हैं और ITR के बिना लोन दे सकते हैं। FD या म्यूचुअल फंड आदि आपके इन्वेस्टमेंट कोलेटरल का काम कर सकते हैं। तीसरा, छोटे लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करने पर बैंक या NBFC बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगने के बजाय बेसिक इनकम प्रूफ के साथ लोन मंजूर कर देते हैं। छोटे लोन को मंजूरी भी जल्दी मिल जाती है। छोटे लोन को कम जोखिम वाला लोन भी माना जाता है। चौथा, बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करें। अगर किसी बैंक में लंबे समय से आपका अकाउंट है, तो आपका एक रिलेशनशिप मैनेजर भी होगा। उस मैनेजर से संपर्क करें और अपनी स्थिति बयां करें। स्टेबल इनकम का प्रूफ दें और जरूरी डॉक्यूमेंट देते हुए अपनी रीपेमेंट की क्षमता के बारे में बताएं। अच्छा क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री आपके केस को मजबूत बनाएंगी और आपको आसानी से लोन मिल सकता है। पांचवा, स्पेशल स्कीम के तहत मिलने वाले लोन के लिए अप्लाई करें। बैंक कई बार खास स्कीम्स के तहत चुनिंदा आवेदकों को लोन देते हैं, जैसे कि ऐसे लोन जिनके लिए ITR प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। जरूरी क्राइटेरिया पूरा करने के बाद इस तरह के लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट में नियमित ट्रांजैक्शन का ब्यौरा देने से इस तरह के लोन मिलने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो इन तरीकों से आपको बिना ITR डॉक्यूमेंट के लोन मिल सकता है। लेकिन इस तरह लोन लेने से पहले याद रखें कि अलग अलग बैंक या NBFC में लोन मंजूरी से जुड़े नियम और शर्तें अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए इस तरह का लोन लेने से पहले लोन की शर्तों को अच्छे से पढ़ें और समझदारी के साथ लोन लें।